वेस्टइंडीज में अपना दम दिखाने के बाद भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को भी जबरदस्त पटकनी दी। मोहाली में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने विरोधी टीम को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। साथ ही इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली ने सबका दिल जीतते हुए कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। एक रिपोर्ट देखिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू हुई 3 T20 मैचों की सीरीज का धर्मशाला में होने वाला पहला मैच बेशक बारिश के कारण धुल गया हो, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में विराट सेना का दम देखने को मिला। जहां भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका की टीम के पसीने छुला दिए, विराट कोहली की नाबाद 72 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 6 गेंदे बाकी रहते ही ये मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज पर बढ़त बना ली है। शानदार पारी खेलने के लिए विराट को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान में उतरे विराट कोहली ने 52 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 72 रन जोड़े। इसी दमदार पारी के दम पर विराट कोहली ने आज 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। इनमें से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रोहित शर्मा के तोड़े हैं। सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक विराट के नाम रहे हैं। विराट कोहली ने 22 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि रोहित शर्मा ने 21, वहीं 16 अर्धशतक मार्टिन गप्टिल ने जड़े हैं। इसी तरह विराट ने सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। 2,440 रन विराट कोहली ने बनाए हैं, जबकि 2,434 रन रोहित शर्मा ने, जबकि 2,283 रन मार्टिन गप्टिल ने बनाए हैं। वह इतने रिकॉर्ड कायम करने और मैन ऑफ द मैच बनने के बाद कप्तान विराट कोहली ने जीत की खुशी फैन से शेयर की। कई तस्वीरों के साथ टीम इंडिया के कप्तान ने कहा, इस खेल से प्यार है, बेंगलुरु में आप सबसे मिला हूँ। आपको बता दें कि अब दोनों टीमों के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 22 सितंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा, जिसमें साउथ अफ्रीका पहली जीत का ख्वाब लेकर मैदान में उतरेगी, तो वहीं विराट ब्रिगेड सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से विरोधी टीम से भिड़ेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।